तो अभी मैं आया हुआ था बाइक रेंट करने के लिए, तो 350 रहता है 24 आवर्स का, तो आप देख सकते हो कि कितना बजटेड है अगर आप प्लान कर रहे हो पूरा जयपुर सिटी घूमने के लिए। भाई साहब व्यू चेक करो यार, गजब। मॉर्निंग एवरीवन। तो ये सारे अपने भाई लोग बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे पार्टी। कौन सा डायलॉग था? क्या हो गया? Few moments later. तो भाइयों अभी ये प्लान है कि अभी मैंने सोचा कि यार घर वाले तो घर पे ही रुकेंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर थोड़ा आउटिंग के लिए जाया जाए और स्कूटी रेंट पे ले ले। हालांकि यहाँ पे स्कूटी थी, घर पे कुछ काम पड़ जाए तो दिक्कत हो जाती, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि स्कूटी रेंट पे लेते हैं। तो अभी एक लोकेशन मैंने गूगल पे फाइंड आउट करी है, स्कूटी उठाते हैं और अभी दीदी जा रही है साथ में, और ये हमें छोड़ के आएगी लोकेशन पे जहाँ से हम स्कूटी रेंट पे करते हैं बाइक। भाइयों अभी मैं आया हुआ था बाइक रेंट करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था। तो ये है जॉय राइड्स के लिए, प्रताप नगर प्लाजा के साथ में जिस पार्किंग है वहाँ पे सारी बाइक्स खड़ी होती है, और ये भैया आपको मिलेंगे। भैया का नाम है राजवीर सिंह, और यहाँ पे सारी बाइक्स वगैरह आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, जॉय राइड्स वेबसाइट पे देख सकते हो। और बाइक का रेंट मिनिमम कितना रहता है? तो 350 रहता है 24 आवर्स का, तो आप देख सकते हो कि कितना बजटेड है अगर आप प्लान कर रहे हो पूरा जयपुर सिटी घूमने के लिए। तो अभी हमारा भी कुछ ऐसी प्लान है, आज हमने जो बाइक ली है वो एक्स ब्लेड। अगर आप इधर आ रहे हो तो आप ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस ही लाना, मेरे पास ओरिजिनल नहीं था, डुप्लीकेट था, वो भी हमने रख लिया, और प्लस सिक्योरिटी भी जमा कराई है 2500। छोड़ने आएंगे तब वो हमें रिफंड हो जाएगा, तो वो रिफंडेबल है अमाउंट। करते हैं फटाफट मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे मिलते हैं, एक नंबर। सो भाइयों बाइक ले ली है और मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे हम आ चुके हैं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने इनके हेलमेट पे एक माउंट आता है चिन माउंट, वो लगा रखा है। चल पड़ी अपनी गड्डी, यहाँ पे 118 रुपये नॉर्मल और प्रीमियम 123। यहाँ से हमने पेट्रोल डलवा लिया है, पेट्रोल है भाई 118 रुपये पर लीटर। मैंने कहा भाई इतना महंगा, मैंने कहा यार गलत ऑप्शन तो नहीं ले लिया बाइक से जाना। कोई नहीं, बाइक से ये है कि अपने को फील भी आ जाएगा और आप लोगों को भी मोटो व्लॉगिंग का मज़ा आ जाएगा। जयपुर में भी बाइक चला ली हमने, बाइक चलाने का तो यार मज़ा ही अलग है, चाहे कोई सी बाइक हो। अपनी ब्लैक पैंथर तो नहीं है, लेकिन आज के लिए हम इसको अपनी ब्लैक पैंथर मान लेते हैं। हम जा रहे हैं हवा महल, तो पहली लोकेशन हवा महल होने वाली है। क्या सीन होता है, क्या टिकट है, वो सब जो जो होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा वीडियो में। राइट में देख रहे हो ये है बिरला मंदिर, जयपुर का बिरला मंदिर देख सकते हो, और फिर ऊपर जो आप देख रहे हो ये किला, ऊपर किले के पास भी मंदिर है, वो है गणेश जी का मंदिर, और वो साल में सिर्फ एक बार खुलता है, वो भी सिर्फ शिवरात्रि पर। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है इस सेटअप में आवाज़ कैसी आ रही होगी। सो ये हवा महल के अंदर हम आ चुके हैं। सो ये है टिकट काउंटर, भारतीयों की 50 रुपीज़, विद्यार्थी अगर कोई स्कूल पढ़ रहा है तो 20 रुपीज़। सो ये है बोर्ड गेट, इसमें पूरी टिकट के बारे में लिखा हुआ है, तो आप ये पढ़ सकते हो। चंद्रा पोली गेट एंट्रेंस प्रवेश। सो भाइयों अभी जस्ट एंटर कर रहे हैं हवा महल के अंदर, और देखते हैं कितनी हवा लगती है। इसका नाम हवा महल इसलिए है, अभी जस्ट हवा महल के अंदर एंटर हो रहे हैं, और यहाँ पे ना काफ़ी सारी छोटी छोटी विंडोज़ बनी हुई है, बेसिकली वो इसलिए बनी थी ताकि राजा महाराजा लोग एक बार विंडोज़ से बाहर का आइडिया ले सके कि कितना क्राउड है और क्या चल रहा है, और मेन कोई हमला करने की ट्राई तो नहीं कर रहा। हमेशा मैंने हवा महल देखा है तो वो बाहर से देखा है, फर्स्ट टाइम है जो मैं अंदर आ रहा हूँ। तो राजस्थान की हिस्ट्री जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा रॉयल है, उसका एक एग्जांपल आप ये देख सकते हो। तो देखो लोग ऊपर वहाँ तक जा रहे हैं, तो अभी हमारा प्लान वही है, इतनी ऊपर तक ही जाना है। सोलो ट्रैवलिंग एकदम गजब भाई। यहाँ की हिस्ट्री हमें इतनी ज़्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन हवा महल में हवा बहुत है, प्लस खिड़कियाँ बहुत है, जिस वजह से आई थिंक
वेंटिलेशन ज़्यादा अच्छा मिलता हो। अभी यहाँ पे व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, अभी ऐसे करते हैं थोड़ी देर नीचे चलते हैं, देन आपको अपडेट दे दूँ जो भी अपडेट मिलते हैं। भाइयों ये तो भूल भुलैया है भाई, कहाँ कहाँ से सीढ़ियाँ निकल रही है कुछ नहीं पता, कहीं से भी नीचे जा रहे हैं। सो पीछे चल रहा है कठपुतलियों का डांस, तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो। पीछे फाउंटेन्स वगैरह भी है, तो अभी एग्जिट गेट की तरफ जा रहे हैं। सो भाइयों अभी एग्जिट हो गए हम हवा महल से, अभी एक्सप्लोर करते हैं बाकी तीन चार हमारी विश लिस्ट में है जगह, ऑल्दो मैं वो पहले घूम चुका हूँ बट यूट्यूब ये फर्स्ट टाइम होने वाला है। लेट्स मोटो व्लॉगिंग वाले सेटअप पे मिलते हैं और उसके बाद अपडेट देता हूँ। सो ये बाहर से हवा महल देख सकते हो यार। हम जा रहे हैं नाहरगढ़ का किला, क्योंकि वो हाइट पे है और थोड़ा पहाड़ों वाला फील भी आ जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ नाहरगढ़ ही चलते हैं। तुम्हारा भाई पहाड़ ढूंढ ही लेता है। मैम स्टिंक है, गर्मी बहुत है, ले लिए यहाँ से स्टिंक की बोतलें, ऊपर पहाड़ों पे जाके पियेंगे भाई फुल अय्याशी स्टिंक पियेंगे। ये पूरा जंगल एरिया है आसपास में, तो जंगली जानवर भी बाहर आ सकते हैं, पर इतनी गर्मी है वो भी बाहर नहीं आएंगे, वो कहेंगे भाई तुम ही पागल हो जो इतनी गर्मी में घूमने निकल रहे हो, हम पागल नहीं है भाई, हम नहीं आ रहे। क्या करें, अपने तो काम ही है ट्रैवलिंग करना, और कहीं पे भी जाता ना तो यार मन में यही रहता है कि एक बार बाइक उठा के कहीं बाहर जरूर निकलो। जो तो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसमें आप कभी नहीं थकते, जैसे अभी मैं बिल्कुल नहीं थक रहा, मज़ा आ रहा है बिल्कुल, एकदम इन्जॉय ले लेके चला रहे हैं गजब एकदम। तो यहाँ पे आ गए हैं दो रास्ते। नाहरगढ़ के लिए किस साइड है? अच्छा पास कौन सा, नाहरगढ़। सो भाइयों आ गए नाहरगढ़ फोर्ट। क्या है करिए? अच्छा पार्किंग के लिए और एंट्री टिकट आगे से रहा है। और ये बाइक जो मैंने ली थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, इस बाइक के टायर तो सारे घिसे पड़े हैं। नाहरगढ़ में एंटर हो गए हैं, 50 रुपीज़ पर पर्सन हमने टिकट भी दे दिया, तो अंदर ही चलते हैं देखते हैं क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो इसको स्टेप वेल बोल सकते हो या बोल सकते हो बावड़ी, जैसे हम टैंक बनाते हैं ना घर के अंदर ताकि वाटर स्टोर कर सके। यहाँ महल के अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स बना रखे थे जहाँ से रेन वाटर जो होता था वो सब यहाँ पर आके स्टोर हो जाता था, तो यही है। हालाँकि अब ये गंदा पानी है बारिश वारिश का, धूप में मजे ले रहे। रात को तो भाई साहब ये हवेली भूत हवेली जैसी लगेगी, इसको देख के तो दिन में भी अजीब अजीब से लग रहा है भाई। आई थिंक इसी वजह से ना रात को क्लेश बंद रहते हैं, क्योंकि खुद की आवाज़ भी गूंजती है तो बिल्कुल अंधेरा है। भाइयों ऊपर आ गए हैं एकदम टॉप पे और एकदम धूप हमें जलाते हुए, धूप ने पूरी स्किन जला दी है भाई। तो किले आप देख सकते हो यार, बहुत ज़बरदस्त किला भाई। तो जैसे कि आपने नीचे देखा था भूलभुलैया सी है, और कहा जाता है कि राजा ने पूरे 9 जितने भी पैलेस थे 9 पैलेस को जोड़ के एक ये पैलेस बनाया, और हर रानी के पास एक पर्सनल पैलेस हुआ करता था उस टाइम पे, और कुछ लोग इस पे भी अपना नाम वाम लिख के चले गए हैं। आशिकों की कमी थोड़ी है, इतने आशिक हैं हमारे यहाँ पर। और भाइयों यहाँ से दिखता है पूरे जयपुर का पूरा व्यू, पीछे आप देख सकते हो बहुत ही गजब बोले तो एक नंबर। पीछे लिखा हुआ तोप के ऊपर बैठना मना है, कौन बैठ रहा है भाई तोप के ऊपर? फोटोग्राफी अंदर आपके मोबाइल के अंदर शीश महल है और एक वैक्स म्यूजियम है, उन सब का कंबाइन कॉस्टिंग है 500 रुपीज़। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो फैमिली के साथ आ रहे हो तो ज़रूर है। तो अभी जस्ट बाहर चलते हैं बाइक उठाते हैं एंड देन अगली लोकेशन पर पहुँचते हैं फटाफट। सो भाइयों बाइक निकाल ली है अपने अगले स्पॉट पे, जो कि होने वाला है जयगढ़, जयगढ़ का किला। तो अभी जयगढ़ ही जा रहे हैं और किलों के मज़े तो हमने ऑलरेडी ले लिए हैं, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करा। और पानी से ठंडे ठंडे पानी से भाई मुँह धोते ना भाई, जो सुकून पहुँचा ना भाई वो हम ही जानते हैं भाई। जो भी गर्म जगह पे आ रहा है और ठंडा पानी मिल जाए मुँह धो लो उससे एकदम फ्रेश हो जाओगे बिल्कुल। मतलब ऐसी जगह पे आके ना आपको एक्सप्लोर करके पता लगता है कि ऐसी एक कुछ ऐसी जगह भी है जो हमारे देश के अंदर जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो इंडिया में भी बहुत जगह है। तो लोग कहते हैं कि यार फॉरेन चलते हैं यार,
तो फॉरेन जाके क्या करोगे, जब तुम अपने देश में रह के अपने देश को एक्सप्लोर नहीं कर पाए तो फॉरेन जाके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंडिया में रह के इंडिया को एक्सप्लोर करो। तो चलते हैं, रास्तों का मज़ा लेते हैं। जयगढ़ फोर्ट जा रहे हैं अभी, और जितने भी फोर्ट्स हैं राजस्थान में, मतलब ऑलमोस्ट मैंने देखा नेट पे सबकी टिकट 50 रुपीज़ के अराउंड ही है इंडियंस के लिए। मैंने सुना वहाँ पे मतलब वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट व्हील वाली कैनन वहीं पे रखी गई है। तो यहाँ पे बीच में स्पॉट बना हुआ है, फोटोग्राफी के लिए बहुत सही है। तो वो है जल महल, शायद ही आपको वीडियो में दिख रहा हो, और बहुत प्यारा लग रहा है यार जल महल। करो, कोई टेंशन नहीं है, किसी के भरोसे नहीं बैठना, आपको सिर्फ अपने अकॉर्डिंग चलना है हर चीज़ में। जहाँ आपका मन करे वहाँ रुको, जहाँ खाना हो वहाँ खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ, चलते जाना हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चल सकते हो। लेकिन अगर आप 10 बंदों के साथ जाते हो या 4 बंदों के साथ जाते हो ना, तो आप सिर्फ उन 4 बंदों के ग्रुप के अंदर ही फंस के रह जाते हो। अगर आप सोलो राइड करते हो ना मेरी तरह, तो आपके पास इन्फानाइट ग्रुप्स होते हैं, इन्फानाइट लोग होते हैं बात करने के लिए, आप इजीली सोशलाइज हो जाते हो, आपको आपके जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। कुछ लोगों को आपसे सीखने को मिलता है, कुछ लोगों से आप सीख सकते हो। सो ये बहुत ही विन विन सिचुएशन होती है दोनों लोगों के लिए। भाई ये आ गया कट, जहाँ से एक रास्ता जाता है जयगढ़ को और पीछे जाता है नाहरगढ़ को। नाहरगढ़ तो हम घूमाए, अब हम जाएंगे जयगढ़ में। जयगढ़ मेन फेमस है तोपों के वजह से, तो हम सोचा थोड़ी बहुत तोपे हम भी देख ले भाई। सो भाइयों टिकट ले ली है, 150 रुपीज़ की टिकट पड़ी जयगढ़ में। आई थॉट कि 50 है, ऑनलाइन भी 50 शो कर रहा था, लेकिन पता नहीं 150 हो चुकी है। यहाँ मैंने बोर्ड देखा, तो बोर्ड आप देख सकते हो, तो ये बोर्ड पे सारी टिकट्स लिखी हुई है। जैसे अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो पे कौन कौन सी देखने को मिलेगी। फटाफट से चलते हैं कैनन देखने के लिए। मेन जयगढ़ का किला जो है वो स्पेशल फेमस है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कैनन यहीं पर रखी गई है, तो उसको देखने चलते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो तोप के ऊपर निशान बने हुए हैं ओम सात्विक के, मेन इसलिए बना रखा है क्योंकि इस तोप की भी पूजा होती है। राजा महाराजाओं के खानदान से बिलोंग करते हैं वो, हर साल इधर आते हैं और इस तोप की पूजा करते हैं। बोलते हैं कि इस तोप को भी एक तरीके से पूजा की जाती है, तो उसके आगे पीछे से फ़ोटो मत लो, लेनी है तो फ्रंट से लो, क्योंकि ये इनका मतलब जो गाइड थे वो बता रहे थे कि इस तोप को सिर्फ बैरल को घुमाने के लिए 6 लोग चाहिए, और अगर पूरी तोप को घुमाना है तो कम से कम 2 हाथी चाहिए इस पूरी तोप को घुमाने के लिए। तोप का अराउंड वज़न है 360 किलोग्राम। युद्ध तथा शांति काल, ये पुराने टाइम्स की आप फोटोज देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट। सो ये देखो जवाहरलाल नेहरू के साथ भी इनकी फोटोज वगैरह है। सो ये पूरा आप देख सकते हो एक बार, बहुत ही प्यारी लग रही है, और फोटोज को देख सकते हो कितना जबरदस्त तरीके से रेंडर करा गया है। ब्लैक एंड वाइट है लेकिन खूबसूरती उतनी ही है जितनी उस टाइम पे थी। ये है शास्त्रागर आर्मरी, यहाँ पे इतने सारे आर्म्स थे, मतलब मैं देख के सोच रहा था कि उस टाइम के लोग उठाते कैसे होंगे इनको, इतने भारी भारी आर्म्स थे। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है आमेर का किला। यहाँ पे मस्त टाइम स्पेंड करा, मज़ा आ गया भाई मज़ा। मुझे लगा कि यार 150 रुपये में सिर्फ हमें एक तोप देखने को मिली, तो फिर लेकिन बाद में हम थोड़ा आगे गए, हमें म्यूज़ियम देखा, हमने आर्मरी देखी कि उस टाइम के लोग कैसे आर्म्स यूज़ करते थे। अरे मोर 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 रोड पे ही दिख रहे हैं भाई, मोर देखो, देख के भाग गए दोनों। अरे उधर देखो कितने सारे मोर हैं यार, ये देखो मोर दिख रहे हैं, सारे मोर हैं उस तरफ। मैं उधर जाऊंगा ना तो भाग जाएंगे, इसलिए मैं उधर जा नहीं रहा, उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये रोड देख के यार ऐसे गाने आते हैं दिमाग में, अजीब दास्ता है ये। पीछे देखो नील गाय है, और ये रे मोर,
नील गाय भी खतरनाक तरीके से देख रही है। नील गाय का पता है क्या सीन होता है, नील गाय ना बहुत जल्दी डर जाती है और ना डर के मारे वो एकदम से टक्कर ही मार देती है कहीं पे भी। अगर जैसे मुझसे डर लगा तो वो मेरे को ही टक्कर मार सकती है, तो नील गाय से थोड़ा सेफ होके चलना है भाई, क्योंकि उस गाय को डराना नहीं है भाई। और ये हमेशा ना छुप के रहती है, सामने एकदम से नहीं आती। अब ये पूरा जंगल एरिया है, यहाँ पे जंगल से जंगली जानवर आराम से बाहर आ जाते हैं और थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है, तो इस वजह से आपको भी सेफ चलो, आराम से चलो और जानवरों को भी सेफ रखो यार, और उनसे पंगे मत लो ठीक है। चुपचाप खड़े हुए तो खड़े रहने दो भाई, ज़्यादा पास आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो डर गए तो वो डर के मारे कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से जल महल का व्यू दिख रहा है, बस 5 मिनट और उधर मिलता हूँ जल महल के पास। सो भाइयों ये आ गए हम जल महल, बोला था ना सिर्फ 5 मिनट, और वो देखो जल महल, जूम करके दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। तो ये लो भाइयों, जूम करके भी दिखा दिया, वो है जल महल। अभी बस बाइक स्टार्ट करते हैं और पहुँचते हैं अपने घर की तरफ। सामने देख सकते हो ये है अल्बर्ट हॉल, एकदम गजब लग रहा है भाई। और लाइटिंग में देख सकते हो यार, सुबह जहाँ पे मैं आया था ना वो यही जगह थी, और सुबह तो यार इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब लाइटिंग में यार कितना ज़बरदस्त लग रहा है यार, गजब बोले तो एक नंबर भाई। सो हम पहुँच गए हैं अपनी लोकेशन पे वापस से, जहाँ से शुरू करी थी। ये अभी हमने बाइक दे दी वापस, और अभी अपने को ढूंढना है ऑटो, ऑटो ले लिया है। अब ऑटो से डायरेक्ट जाएंगे अपने अपार्टमेंट में, बहुत थक चुके हैं, तो अपार्टमेंट पहुँच गए या फिर अपडेट देता हूँ। सो भाइयों फाइनली इतने लंबी राइड के बाद मैं घर आया, रेस्ट करा, रेस्ट करते ही टाइम नहीं है भाई, अब आ गए हैं दूसरी लोकेशन पे, और ये रही हमारी फैमिली पीछे, मासी, मम्मी, मामी, डिंकी, बहन, कानू, ईशु, सब मतलब पूरी फैमिली इधर आ चुकी है। अभी बस मामा आ रहे हैं, मामा एक्चुअली मॉर्निंग में शूट पे गए थे, इसलिए मैं बाइक उठा के निकल गया था आपको व्लॉग दिखाने के लिए। तो अभी फैमिली आ चुकी है, साथ में सारे इकट्ठे हो चुके हैं, अभी जस्ट अंदर जाएंगे। ये है चौपाटी, कौन सी जगह पड़ती है, प्रताप नगर, सो नियर बाय, कौन सी जगह पड़ती है, तो ये है प्रताप नगर में चौपाटी। तो जस्ट अंदर चलते हैं, एंड देन आपको अंदर पहुंच के अपडेट देता हूं कि अंदर कैसा है। सो अगर आपने पहले वाले एपिसोड नहीं देखा जल्दी से जाओ, वो सारे एपिसोड देखो, एंड देन आपको मिलता हूं थोड़ी देर बाद। मामा आ गए शूट पे से, आ चुके हैं, आप अपना कैमरा नहीं लेके आएंगे, ये वाला कैमरा लेके आएंगे, मुझे लगा आप कैमरा लेके आएंगे, नहीं नहीं इससे इससे बहुत आई थिंक अलाउड नहीं होगा ना। थकान भरा था, और फाइनली हम अपनी पोजीशन पर आ चुके हैं, बेड पे आराम से लेट गए, एकदम फैल के सोएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओ भाई एक नंबर। सो अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो जल्दी से जाओ, वो सारे एपिसोड देखो। सो दिस साइड एक्सप्लोरर सराज साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले ट्रैवल व्लॉग में।